हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, आज जो ये वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ चंडीगढ़ के जो गवर्नमेंट स्कूल्स में हैं, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं पूरे चंडीगढ़ में, अगर आप छठी से लेके आठवीं तक, मीन्स 6 to 8 तक, अगर आप अपने बच्चों के एडमिशन कराना चाहते हैं तो आपको, देखो कोरोना वायरस की वजह से आपको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से ही आप लोग जो है अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, मैं आपको बताऊँगा तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, आपको उससे समझ में आ जाएगा। कहीं भी साइबर कैफ़े या किसी और के पास जाके आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, करेंगे कैसे हम लोग, सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन पर आ जाना। ये मैंने मोबाइल की स्क्रीन को ऑन किया हुआ है, तो यहाँ पर मैंने गूगल क्रोम को खोल लिया है। सो गूगल क्रोम में आपने जाके यहाँ पर लिखना है chdeducation.gov.in। सो मैंने लिख दिया chdeducation.gov.in। सो यहाँ पर जब मैं नीचे आऊँगा तो सबसे पहला ऑप्शन जो होगा उस पर मैंने क्लिक करना है। सो उस पर क्लिक करने के बाद एक एजुकेशन की वेबसाइट कुछ इस तरह से खुल जाएगी आपके पास, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। सो आपने करना क्या है, इसमें बिल्कुल लास्ट में नीचे चले जाना है आपने। तो ये मैं नीचे आ गया, न्यूज़ एंड रिलीजेज, यहाँ पर डेली सर्कुलर आपके पास लिखा हुआ आएगा। सो डेली सर्कुलर में थर्ड ऑप्शन आप देखेंगे, लिखा हुआ है क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन इन गवर्नमेंट स्कूल इन चंडीगढ़ फ्रॉम क्लासेस प्री नर्सरी टू क्लास 8। सो इस पर थर्ड ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है, जो प्री नर्सरी से लेकर आठवीं क्लास तक की जो एडमिशन है। फिर दोबारा जो वेबसाइट है वो खुलेगी, आपको फिर थोड़ा नीचे चले जाना है फिर दोबारा से। सो जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ आएगा क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन इन गवर्नमेंट स्कूल इन चंडीगढ़ फ्रॉम क्लासेस प्री नर्सरी टू क्लास 8 फॉर द सेशन 2021, मीन्स 2020-21 में जो आपको एडमिशन करानी है उसके लिए। तो यहाँ पर एक नीचे PDF का लिंक होगा, आपने इसको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो पूछेगा डू यू वॉन्ट टू डाउनलोड द लिंक, तो आप लोगों ने इसको डाउनलोड कर लेना है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। तो जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो ये यहाँ पर कुछ ऐसे खुलेगा। सो अब अपने करना है क्या, आप अपने अपना एरिया देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल क्लस्टर नंबर, ये जो राइट में लिखा क्लस्टर नंबर लिखा हुआ है और ये लिखा क्लस्टर हेड स्कूल है, और स्कूल किस किस कौन कौन सा एरिया उसके अंडर आता है। जैसे सेक्टर 8 का स्कूल है, सेक्टर 19 में अगर आप रहते हैं, सेक्टर 18 में रहते हैं, सेक्टर 7 में रहते हैं और सेक्टर कैम वाला में रहते हैं, तो ये जो स्कूल है वो इनके अंडर आएंगे। तो इनमें से अगर किसी भी स्कूल में आपने अप्लाई करना है तो आप इस वाले ये जो वेबसाइट एड्रेस है क्लस्टर के, इस पर आप क्लिक कर लोगे। सो अभी जैसे सेक्टर 10 में है आपके ये स्कूल है, सेक्टर 10 है, 10-11A है, 12 PGI, ये 12 है, खुड्डा अली शेर है, तो इसके लिए आप लोगों ने 10 सेक्टर वाला। सो सेक्टर 15 ऐसी करके आप टोटल क्लस्टर जो है वो 20 क्लस्टर दिए हुए हैं। आपने अपना एरिया देख लेना है, आपका अगर आप बढ़ेड़ी में रहते हो तो आपको ये वाला 8 नंबर वाला क्लस्टर है आपका, अगर आप 35 में रहते हो या 37 में रहते हो तो आपके लिए 37 वाला क्लस्टर है। तो इसी तरह अलग अलग क्लस्टर हैं। तो अभी चलो, चलिए मैं आपको अभी फ़िलहाल के लिए बता देता हूँ, हम लोग बिल्कुल लास्ट वाले क्लस्टर पे आते हैं, क्लस्टर नंबर 20, जिसमें है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मौली जागरा विलेज, रेलवे कॉलोनी, मौली कॉलोनी, रायपुर कला, मौली कॉम्प्लेक्स और विकास नगर। सो मुझे करना है क्या, आपने ये जो लिंक दिए हुए हैं यहाँ पे, एक जो पहला वाला लिंक है www.gssmaulivillage.com और उसके राइट हैंड साइड में HTTPS, तो मैं ये HTTPS है इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से इसको कॉपी कर लूँगा। सो कॉपी करने के बाद मुझे वापस आ जाना है, वापस आने के बाद मैं बिल्कुल वापस जो है स्टार्टिंग पे आ जाऊँगा। स्टार्टिंग में आने के बाद जो है मैं एक और खोलूँगा, यहाँ पे दोबारा मैं गूगल खोलूँगा। तो दोबारा गूगल खोलने के बाद जो इसका एड्रेस था मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगा। सो पेस्ट करने के बाद इसको मैं यहाँ पर चला दूँगा। सो पेस्ट करने के बाद ये एक गूगल डॉक में फॉर्म खुल जाएगा। तो ये आपका फॉर्म खुल गया है जो आपको फिल करना है, फिल करके सबमिट कराना है। सो चलिए अब देखते हैं इस फॉर्म में हमने क्या क्या जो डिटेल्स हैं वो फिल करनी है। सो इसमें सबसे ऊपर लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लस्टर 20। अब जो भी क्लस्टर आपने सिलेक्ट किया होगा आपका वही क्लस्टर आ जाएगा, तो वहाँ पे जाके आपने फिर फिल कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, पहले इंस्ट्रक्शन भर लेते हैं। स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट्स, तो क्या क्या इंस्ट्रक्शन है। नंबर 1, कैंडिडेट कैन सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सीकिंग एडमिशन इन नियर बाय स्कूल। तो सबसे पहले जो आपका नियर बाय स्कूल है आप उसी में एडमिशन फिल कर सकते हैं, कोई दूर वाले सेक्टर में नहीं कर सकते। नंबर 1, कैंडिडेट हैज़ टू सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन इन केस ही और शी वॉन्ट्स टू अप्लाई इन मोर देन वन क्लस्टर स्कूल प्रोवाइडेड शी इज एलिजिबल इन अदर क्लस्टर।
सो अगर आप किसी दूसरे क्लस्टर के लिए एलिजिबल हैं तो आपको दो आप अलग अलग आपको सेपरेट फिल करने होंगे। नंबर 3, लिस्ट ऑफ क्लस्टर क्लस्टर स्कूल, ये जो लिस्ट जो है वो मैंने आपको अभी बता दिया कहाँ से अवेलेबल होगी। सीट विल बी अलॉटेड सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी अवेलेबिलिटी ऑफ सीट सबमिशन ऑफ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग SLC। सो अगर आप नर्सरी और प्री नर्सरी को छोड़ के किसी भी क्लास के लिए आप लगाते हो तो आपकी SLC लगेगी और आपके स्कूल की डिटेल्स वहाँ पर आएंगी। नंबर 4, कैंडिडेट आर एडवाइज टू गो थ्रू द डिटेल्स। तो ये सारी डिटेल्स आपने पढ़ लेनी है एक बार पढ़ने से पहले। सो उसके बाद आपने जो स्टार लगे हुए हैं वो तो आपको फिल करना ही करना है। तो चलिए अब फॉर्म स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले नंबर 1, नेम ऑफ द स्टूडेंट। तो आपने जो भी जिस भी बच्चे के नाम से आपने फिल करना है तो उसको फिल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने बच्चे का फिल करने जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने फिल कर दी। उसके बाद उसका जेंडर आपका आ जाएगा। तो जेंडर में मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया बॉय। सो बॉय सेलेक्ट करने के बाद उसका फादर नेम, अगर गर्ल है तो आप गर्ल, फिर फादर नेम हम लोग लिख लेंगे बच्चे का, जो भी बच्चे का फादर नेम है वो लिखने के बाद फिर नेक्स्ट हम उस पर आएंगे। फादर नेम के बाद मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर यहाँ पर है। फादर नेम के बाद हम डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ पहले हम लोग बच्चे की सिलेक्ट कर लेंगे। सो डेट ऑफ बर्थ, अब मैं डेट ऑफ बर्थ से ये जो कैलेंडर है इससे आपने वापस आ जाना है जिस भी डेट में मेरे बच्चे का बर्थ हुआ है, तो उस डेट को मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा। सो यहाँ से 2014, तो चलिए तो यहाँ से मैंने डेट सेलेक्ट कर लिया और मैंने इसको सेट कर लिया है। सो ये सिलेक्ट करने के बाद फिर मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर जो भी पेरेंट्स का है वो मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा, लिखूँगा यहाँ पर। सो ये मैंने मोबाइल नंबर लिख दिया है। मोबाइल नंबर के बाद जो है वो है ईमेल आईडी ऑफ द पेरेंट्स। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप ईमेल आईडी लिखेंगे, अगर ईमेल आईडी नहीं है तो ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा रेजिडेंशियल एड्रेस, तो यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना है जो भी आपका एड्रेस है। सो जो भी आपका एड्रेस है यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद किस क्लास में आपको एडमिशन लेना है बच्चे का, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। जिस भी क्लास में आपको एडमिशन लेना है उसको लिखने के बाद फिर आपके बाद कंप्लीट एड्रेस ऑफ द प्रेजेंट स्कूल और स्कूल लास्ट अटेंडेंट, तो जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा था तो वो स्कूल आपने फिल कर देना है। चलिए ये फिल करने के बाद फिर हम लोग नीचे आ जाएंगे प्रेफरेंसेस। सो अब हमारी प्रेफरेंसेस क्या है वो हमने यहाँ पर लिखनी है। सबसे पहले जो आपके क्लस्टर होगा उसके स्कूल से यहाँ पर आ जाएंगे, तो आपको कौन कौन सा स्कूल है जिसमें आप लोग प्रेफरेंसेस लेना चाहते हैं। सो उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस और थर्ड, तो तीन प्रेफरेंसेस आप लोग आपको देनी है। तीन प्रेफरेंसेस देने के बाद नीचे आएगा हैव यू अप्लाइड और अप्लाइंग एडमिशन इन एनी क्लस्टर, तो अगर आप कर रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं कर रहे हैं तो नो करेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास नीचे आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लस्टर, ये डिटेल्स जो है रिक्वायर्ड, डेक्लेरेशन बाय द पेरेंट्स। सो डेक्लेरेशन एक बार मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। इट इज़ सर्टिफाइड दैट ऑल द डिटेल्स गिवन इन एप्लीकेशन फॉर्म आर करेक्ट, नो इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन कंसील्ड, इन केस एन इन्फॉर्मेशन इज फाउंड टू बी फॉल्स और एनी स्टेज एडमिशन ऑफ माई वार्ड मे बी कैंसल्ड इट, आई विल सबमिट द रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट एट पर द डिटेल इन एप्लीकेशन फॉर्म एट द टाइम ऑफ द एडमिशन। सो जो जो भी आपने डिटेल्स भरी हैं वो बोल रहा है कि आपने बिल्कुल सही भरी हैं, अगर आपने गलत भरी है तो आपके बच्चे की एडमिशन कैंसिल हो सकती है, तो इसलिए आपने डिटेल्स जो है वो बिल्कुल सही भरनी है। इसके बाद जो सेकंड चीज़ है, जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट है जब आपका बच्चे का एडमिशन होगा तो आपको वो डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होंगे। उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे सबमिट, और सबमिट के बाद जो आपका फॉर्म है वो आपका सबमिट हो जाएगा और आपके पास यहाँ पर योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड। सो ये था प्रोसेस कि किस तरह से आपने जो एप्लीकेशन अपनी वो सबमिट करनी है अपने बच्चे की ऑनलाइन। सो दोस्तों इस तरह से आप बड़े इजीली अपने मोबाइल से जो है अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, और होप कि उम्मीद करता हूँ आपको कि आप जो ये मेथड है आपके लिए बहुत ईजी रहा होगा, इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा।